ओही गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम को कैसे यूज कर सकते हो, पेटीएम के अंदर कैसे लॉगिन करके उसके अंदर कैसे बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, उसके बाद गाइस कैसे यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर केवाईसी कर सकते हो, कैसे मिनी केवाईसी कर सकते हो, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी गाइस मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पेटीएम के अंदर ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे पेटीएम के अंदर अपने पैसों को लेन देन कर सकते हो, कैसे उसके अंदर जितना भी फीचर है सभी को यूज कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक के वॉच कर लेना। अगर गाइस आपके मन में भी यही सभी सवाल है तो क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक के वॉच कर लेना। आप सही वीडियो को देख रहे हो, आज की इस वीडियो में आपको सभी कुछ बता देने वाला हूं, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं फाइनली आपको बता देते हैं बिना समय गवाए। तो उसके लिए गाइस आपको पहले क्या करना है, एक छोटा सा काम कर देना है कि यहां पे गाइस अगर आप अपने भाई के लिए यहां पे लाइक नहीं किए तो फटाक से गाइस जाकर के आप अपने भाई के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है ना कि अगर गाइस मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर इसी तरह का न्यू वीडियो देखना चाह रहे हो तो आपको फटाक से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, बगल जो ब्लैक घंटी ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख करके फायदा उठा सको। और हां गाइस आपके मन में भी कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, अब मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में उसका सलूशन दे दूंगा। तो चलिए मैं फिलहाल में आपको बता के लिए गाइस आपको क्या करना है कि यहां पे गाइस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है जो कि पेटीएम का है, तो वहां से गाइस जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं जो पेटीएम का लिंक दिया हूं वो न्यू अपडेट है, इसलिए गाइस वहां से जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस आपको क्या करना है कि जिस नंबर से आप पहले से लॉग इन किए थे वही नंबर को आपको फिर से यहाँ पे फिलअप कर देना। तो यहाँ पे गाइस जैसे उस नंबर को आप फिर से फिलअप कर दोगे, फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद गाइस अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद अलाउ दे देना, उसके बाद गाइस फिर से आपको अलाउ मांगा तो फिर से अलाउ दे दीजिएगा। अलाउ दे देने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद गाइस आप जो नंबर फिलअप किया उस पर ओटीपी आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे वेरीफाई भी हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे गाइस आपको स्किप कर देना, स्किप करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे पेटीएम का होम पेज देखने को मिल जाएंगे। गाइस पहले आपको क्या करना है कि इसके अंदर पहले बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना। तो चलिए मैं बताते हैं कि कैसे ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे यूपीआई पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यूपीआई पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ऐड अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ढेर सारे बैंक शो हो जाएंगे, तो यहाँ से गाइस जाकर के आप जो भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से जाकर के ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस अब चलिए मैं आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे फुल केवाईसी कर सकते हैं पेटीएम के अंदर। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे गाइस आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाने के बाद गए यहाँ पे आपको केवाईसी सर्च मार देना है। तो यहाँ पे गए जैसे केवाईसी सर्च मारोगे तो यहाँ पे गाइज आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, केवाईसी नियर पॉइंट और यहाँ पे पेटीएम केवाईसी का। तो आपको गाइज क्या करना है, यहाँ पे केवाईसी नियर पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लिखा हुआ प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट, यानी गाइज आपको पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ही आप पेटीएम केवाईसी कर सकते हो। तो यानी गाइज आप पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट को फिलअप करना। चलिए मैं बताते हैं कि कैसे फिलअप करिएगा तभी आपका पेटीएम वॉलेट यहाँ पे एक्टिवेट हो पाएगा। उसके बाद गाइस आपका जैसे पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद यही प्रोसेस आपको केवाईसी के लिए भी करना होगा। तो चलिए मैं फिलहाल में आपको बताते हैं पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करके। तो यहाँ पे गाइस आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड। तो चलिए मैं फिलहाल में आपको आधार कार्ड के थ्रू ही बताते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पे फुल नेम, यानी गाइस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे गाइस आप पैन कार्ड भी सिलेक्ट करते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे तो आधार कार्ड सभी के पास होते हैं, इसलिए गाइस चलिए मैं आपको आधार कार्ड के थ्रू ये बताते हैं। तो यहाँ पे गाइस आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे गाइस आपका फुल नेम, आधार कार्ड में जो फुल नेम है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं फिलअप करके। पहले गाइस देख सकते हो मैंने फिलअप कर दिया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को ऐसे माई वॉलेट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस जैसे एक्टिवेट माई वॉलेट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले
से एक्टिवेट कर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मेरा पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। आपको वॉलेट सर्च मार लेना, तो जैसे ही वॉलेट सर्च मारोगे तो पेटीएम वॉलेट एक शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद गए यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो आपका पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे 0 रुपये शो कर रहा है। अगर गए आप यहाँ पे अपने पैसे को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, या फिर किसी के पास सेंड करना चाह रहे हो तो सेंड भी कर सकते हो। तो इस तरह से गए आप पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर लीजिएगा। बैक आने के बाद गए अब मैं आपको चलिए बताते हैं कि किस तरह से यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे गए जो बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया है, तो उस बैंक अकाउंट पे आपको यहाँ पे फिर से चले जाना है। तो यहाँ नहीं गए, अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐड किया है तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन शो होगा, तो सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देख सकते हो मेरा यहाँ पे चेंज पिन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो चलिए मैं चेंज पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। जैसे सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गए आपका एटीएम कार्ड का नंबर अब वैलिडिटी फिलअप करने का आएगा। तो फिलअप करके आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका यूपीआई पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप कैसे यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल में गए आप इस तरीके से यहाँ पे अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद गए यहाँ से आप किसी के पास भी पैसे को पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टू मोबाइल एंड करेक्ट, तो यहाँ पे गए मैं आपको 1 रुपया किसी के पास सेंड करके बताता हूँ, दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे सेंड हो रहा है। तो जैसे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद जितना आप सेंड करना चाह रहे हो उतना आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए 1 रुपये फिलअप करता हूँ, उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे पे वाले ऑप्शन पे आप भी क्लिक करते हो, उसके बाद गाइस जो यूपीआई पिन आपने वहाँ पे क्रिएट किया था वो आपको यूपीआई पिन यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद गुड के निशान पे क्लिक कर देना है। यानी गाइस आप जैसे गुड के निशान पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप डेट भी देख सकते हो 8 जनवरी 12:02। यानी गाइस मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ तो देख सकते हो यहाँ पे 8 जनवरी है और 12:02 हो रहा है। यानी गाइस मेरा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप किसी के पास भी पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी से पैसे को लेन देन भी कर, तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो कैसे यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हो, तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। तो इसलिए गाइस मेरे चैनल को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, और इसलिए मैं कहता हूं कि फटाक से गाइस जाकर के अगर इन सभी वीडियो को देखना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे न्यू वीडियो को देखना चाह रहे हो, तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो ब्लैक इंडिया ऑल पे सिलेक्ट कर लो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उस वीडियो को सबसे पहले आप देख करके फायदा उठा सको। तो चलिए मैं मिलता है अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।